لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने सवाल पूछा है कि दूसरी शादी की शरई हैसियत क्या है। देखें, हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, वहाँ पर एक हिंदुआना तर्ज अमल की एक बड़ी गहरी छाप है, जिसका एक नज़रिया हमारे सामने यूं भी आता है कि दूसरी शादी को बुराई समझा जाता है। कह रहे, इसने दूसरी शादी कर ली, अरे इसकी दो बीवियां हैं, अरे इसकी दो से ज़ायद बीवियां हैं। अब शरीयत क्या कहती है इस मामले में, वो हम देखेंगे। भाई देखिए, इस्लाम में मर्द के लिए दूसरी शादी मुबाह है, इजाज़त है, यानी कि लाजिम है। ये भी बड़ा फ़र्क है, लाजिम और इजाज़त में फ़र्क है, इजाज़त है। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद पाक है सूरतुन निसा में कि तू इन औरतों से निकाह कर ले, किससे, फन की हो मा ताबा लकुम, जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हो, मिनन निसा औरतों में से, मसना व थुलाथा व रुबा, दो दो और तीन तीन और चार चार, मगर ये इजाजत बशर्त अदल है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है जिसको बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं कि दूसरी शादी करके पहली को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वास्ता ही कोई नहीं जैसा उससे, और से दूसरी के साथ लगे रहते हैं, फिर तीसरी करते हैं तो पहले दोनों को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहा कि मगर ये इजाज़त बशर्त आदल है। फिर अगर तुम्हें अंदेजा हो, अंदेशा हो, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू, कि तुम अदल नहीं कर सकोगे, फवाहिदतन, तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो। भाई देखें, ज़माने जाहिलियत में तो कसरत अजवाज का रिवाज था, इस्लाम ने इस पर एक हद मुअय्यन की और एक से ज़ायद शादी करने वाले को मशरूत इजाज़त देते हुए इसकी हद चार मुकर्रर की, कि शर्तें भी हैं एक से ज़ायद की, और उनमें सबसे कड़ी शर्त अदल है। आम तौर पर देखा गया है कि ख़वातीन जो है, अब इसके ऊपर एक नेचुरली रिएक्शन होता है, एक बीवी दूसरी बीवी को कभी कमतर करती है, समझती है, घरेलू झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला निकल पड़ता है, और आदमी जो है वो ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान हो जाता है, और दोनों के हुकूक में बराबरी जो है ना, वो फिर बड़े पार्शली अमल करने लगता है, इम्पार्शल नहीं रहता। और जो लोग इस तरह का सलूक रखते हैं, एक से ज़ायद अजवाज हैं, उनमें अदल नहीं करते, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत हमारे सामने आती है, ये दर्जा सही की रिवायत है, इसे इब्न हिब्बान ने सही में रिवायत किया है हदीस नंबर 4207 के तहत, इसी तरह इब्न माजा में भी आती है, अहमद इब्न हम्बल अल मुस्नद में भी इसको रिवायत करते हैं कि मन कारत लहू इमरअतानी, जिसकी दो बीवियां हों और वो एक की तरफ माहिर हो, यमीरु मा एहदाहुमा अलल उखरा, एक को छोड़ के एक की तरफ माइल हो, तो क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा, जा यौमल क़यामती व अहदु शिक्कई ही साकितुन, तो इसका एक पहलू जो है ना, वो ऐसे गिरा हुआ होगा, साकित होगा, तो इस हाल में ये क़यामत के दिन। और एक और रिवायत में जिसे इमाम अहमद इब्न हम्बल रिवायत करते हैं, इसे इस हाल में घसीटा जाएगा कि इसका एक पहलू झुका हुआ या गिरा हुआ होगा। बहरहाल, दूसरी शादी के लिए कुरान करीम में अदल व इंसाफ की शर्त है, अगर अदल ना कर सके या जिस्मानी और माली लिहाज से हुकूक़ ज़ौजियत अदा ना कर सके, तो एक से ज़ायद की इजाज़त नहीं, और अगर एक बीवी की भी माली और जिस्मानी लिहाज से तौफीक़ नहीं, तो एक की भी इजाज़त नहीं। अगर आप माली और जिस्मानी सेहत के लिहाज से दूसरी शादी की इस्तेआत रखते हैं, तो अपने इलाके की जो कवानीन है उसके मुताबिक आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बाज़ ममालिक में कानून ऐसे होते हैं कि वो एक से ज़ायद की इजाज़त नहीं देते, और मुसलमान के ऊपर ये लाजिम है कि वो उस मुल्क का कानून न तोड़े जिस मुल्क में रहता है। तो खैर, ये इसकी एक शरई हैसियत है, और कानूनी तकाजों को भी आपने पूरा करना है। अदल जिस्मानी भी होगा और माली भी होगा, और जज्बाती भी होगा, नफसानी भी होगा। ये नहीं है कि आपने जिस्मानी ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश तो पूरी कर ली, माल भी दे दिया, लेकिन इमोशनली आप टॉर्चर कर रहे हैं, ये भी अदल के ख़िलाफ़ है। इसी तरह एक बीवी के बच्चों को तो बहुत दे रहे हैं और एक को कुछ नहीं दे रहे, ये भी अदल के ख़िलाफ़ है। तो तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा।
شرعی حیثیت تو اس کی یہ ہے، اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سنگین ہے، اس طرح کہ اس کے اندر عدل کی بڑی کڑی شرط ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں، ایک انگلش میں ایک اردو میں، انہیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹفارم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔